गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम नाइट्रोजन युक्त कार्मिक यौगिकों का रसायन के अंतर्गत नाइट्रो एल्केन का अध्ययन करेंगे। मैं मीरा आरसी चौहान आपको आज बताने जा रही हूँ नाइट्रो एल्केन बनाने की विधियाँ, इसके भौतिक गुण और कुछ रासायनिक गुण। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों नाइट्रो एल्केन बनाने की विधियाँ। पिछले पीरियड में बच्चों हम नाइट्रो एल्केन बनाने की कुछ विधियां देखे थे, जिसमें से कुछ विधियां बची हुई हैं। आज हम देखते हैं अल्फा क्लोरोप्रोपियोनिक अम्ल के द्वारा हम कैसे नाइट्रो एल्केन बनाएंगे। तो देखते हैं तीसरी विधि अल्फा क्लोरो प्रोपियोनिक अम्ल द्वारा। तो सबसे पहले हम अल्फा क्लोरोप्रोपियोनिक अम्ल का सूत्र लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले प्रोपियोनिक अम्ल है अर्थात प्रोपेन, अर्थात तीन कार्बन। तो देखिए एक दो तीन, और चूंकि ये ओइक एसिड है इसलिए यहां पर हम ये कार्बोक्जिलिक अम्ल लगा देंगे, और अल्फा पोजीशन पे और पहले पोजीशन पे हम ये क्लोरो समूह जोड़ देंगे। अब इसको बैलेंस कर लेंगे बच्चों। कार्बन की वैलेंसी अब जानते हैं चार होती है, एक इसमें ये जो आड़ी लकीर है या ये बॉन्ड है एक संयोजकता को प्रदर्शित करता है। तो ये कार्बन की वैलेंसी तीन होती है, तीन हाइड्रोजन और एक बॉन्ड, चार हुए। और यहाँ पर तीन बॉन्ड हैं और एक हाइड्रोजन, तो ये चार। इस तरह से ये हुआ अल्फा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। अब इसकी क्रिया हम करवाएंगे सोडियम नाइट्राइड के साथ। ये है सोडियम नाइट्राइड। अब देखिए बच्चों ये जो क्लोरीन है इस सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, और ये जो नाइट्राइड है यहाँ जुड़ जाएगा। अब क्या बनेगा बच्चों देखिए, ये है CH3 और CH C डबल OH। अब ये जो क्लोरो है उसके स्थान पर ये नाइट्रो समूह जुड़ जाएगा यहाँ पर, और इसका नाम हो जाएगा अल्फा नाइट्रो प्रोपियोनिक एसिड। ये आप समझ गए होंगे अल्फा क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड, इसमें इसकी क्रिया हमने किससे करवाई, सोडियम नाइट्राइड से करवाई। इसमें ये जो क्लोराइड है इस सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है और नाइट्रो समूह इसमें जुड़ जाता है, और हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका नाम है अल्फा नाइट्रोप्रोपियोनिक एसिड। और ये जो अल्फा नाइट्रोप्रोपियोनिक एसिड हमको प्राप्त हुआ है इसे हम गरम करेंगे बच्चों। गरम करने के लिए इस तरह का त्रिभुज का चित्र सिंबल बताते हैं हम। इसको गरम करने पर हम ये देखते हैं कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, अब हमें प्राप्त हो रहा है CH3 CH2 और ये NO, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोएथेन। तो ये आप समझ गए होंगे, है ना, हमने क्या किया, किसके द्वारा बनाया, नाइट्रोएथेन
किसके द्वारा बनाया? एल्फा क्लोरो प्रोपियोनिक अम्ल के द्वारा बनाया। सबसे पहले हम एल्फा क्लोरो प्रोपियोनिक अम्ल लेंगे और सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो क्लोराइड है, इस सोडियम से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना लिया और हमें प्राप्त हुआ है बच्चों एल्फा नाइट्रोप्रोपियोनिक एसिड। और ये जो प्राप्त एल्फा नाइट्रोप्रोपियोनिक एसिड है बच्चों, इसको जब हम गर्म करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकल जाता है और हमें नाइट्रो एथेन प्राप्त होता है। समझ गए बच्चों? इसके बाद हम एक अगली विधि और देखेंगे। नाइट्रो एल्केन बनाने की जो अगली विधि है बच्चों, जिसमें हम देखते हैं टर्सरी एल्किल एमीन का ऑक्सीकरण। चौथी विधि टर्सरी एल्किल एमीन के ऑक्सीकरण से। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि टर्सरी एल्किल एमीन का सूत्र क्या होगा। तो देखिए, ये है टर्सरी एल्किल एमीन। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसको टर्सरी या तृतीयक एल्किल एमीन क्यों कहते हैं। देखिए, तीन आर समूह इसमें उपस्थित है, इसलिए टर्सरी एल्किल एमीन होगा। अब इसका ऑक्सीकरण होगा और आप सभी जानते हैं ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना। और ऑक्सीजन इसको कौन अवेलेबल कराएगा? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। आप लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये स्व उत्प्रेरक का कार्य करेगा और ऑक्सीजन अवेलेबल कराएगा। ये नवजात ऑक्सीजन देता है, न्यूनिफेरस ऑक्सीजन देता है। अब यहाँ पे देखिए, दो ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएंगे और एक ऑक्सीजन H2O बना लेगा। तो देखिए, एक ऑक्सीजन पानी बना के बाहर निकल जाएगा और NO2 इसमें जुड़ जाएगा। ये है टर्सरी नाइट्रो एल्केन। तो हम देख रहे हैं टर्सरी एल्किल एमीन के ऑक्सीकरण से हमको टर्सरी नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। तो इसमें हमने लिया है बच्चों टर्सरी एल्किल एमीन और इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट से। तो पोटेशियम परमैंगनेट नवजात ऑक्सीजन देता है, जिससे जिसके एक अणु से ऑक्सीजन क्रिया करता है और क्रिया करके पानी बना लेता है। दो अणु इस नाइट्रोजन से जुड़ करके बनाते हैं नाइट्रो एल्केन। तो आप लोगों को ये नाइट्रो एल्केन बनाने की जो विभिन्न प्रकार की विधियां हैं वो समझ में आ गया होगा। अब इसके पश्चात हम नाइट्रो एल्केन का भौतिक गुण पढ़ेंगे। हम देखते हैं बच्चों भौतिक गुण, जिसे कि आप फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। तो सबसे पहले भौतिक गुण में हम देखते हैं गंध और अवस्था। गंध और अवस्था, तो गंध और अवस्था में हम ये देखते हैं बच्चों कि नाइट्रो एल्केन का गंध जो है बहुत ही मधुर होता है।
ये जो है मधुर गंध वाला द्रव है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है और मधुर गंध वाला ये द्रव होता है। अब दूसरा गुण देखते हैं, विलेयता। तो ये जो नाइट्रो एल्केन होते हैं ये जल में अल्प विलेय होते हैं बच्चों, जल में अल्प विलेय होते हैं, किंतु जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें ये पूर्णतः घुल जाते हैं। कार्बनिक यौगिकों में विलेय, तो ये कार्बनिक यौगिकों में पूरी तरह से घुल जाते हैं। और जो नाइट्रो एरीन होते हैं, नाइट्रो एरीन ये जल में अविलेय होते हैं किंतु कार्बनिक यौगिक में पूर्णतः विलेय होते हैं। कार्बनिक यौगिकों जैसे कि बेंजीन है, एल्कोहल है, इनमें पूर्णतः विलेय होते हैं। ये विलेयता हुआ। अब तीसरा गुण देखते हैं, क्वथनांक, जिसको कि हम बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो हम ये देखते हैं बच्चों, क्वथनांक नाइट्रो एथेन और एथिल नाइट्राइड का, नाइट्रो एथेन का क्वथनांक होता है 115 डिग्री सेल्सियस और एथिल नाइट्राइड का क्वथनांक होता है बच्चों 17 डिग्री सेल्सियस। तब देख रहे हैं 115 और 17 दोनों के क्वथनांक में बहुत ज़्यादा अंतर है ना। तो अंतर होने का हम कारण देखते हैं कि वास्तव में इनके क्वथनांक में इतना ज़्यादा अंतर क्यों है। मैं ये मिटा रही हूँ और ऊपर बताती हूँ आपको। ये जो नाइट्रो समूह होता है नाइट्रो समूह में ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है ना। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के विद्युत ऋणात्मकता में काफी अंतर होता है बच्चों, किसमें? विद्युत ऋणात्मकता में बहुत ज्यादा अंतर होता है और इस अंतर के कारण इनमें ध्रुवीय गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? ध्रुवीय गुण पाया जाता है और इसी ध्रुवीय गुण के पाए जाने के कारण इनके अणुओं में प्रबल ध्रुवीय गुण पाए जाने के कारण इनका जो द्विध्रुव आगुण होता है द्विध्रुव आगुण जिसको कि डाइपोल मोमेंट भी कहा जाता है, इसका मान बहुत ज़्यादा होता है, 3 से 4 D के बीच में होता है। और बहुत ज़्यादा इसका मान होने के कारण जो नाइट्रो यौगिक हैं इनके इनमें इनके अणुओं में प्रबल द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है ना। अणु में क्या पाया जाता है? स्ट्रांग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, जिसके कारण इनके क्वथनांक में ये अंतर दिखाई पड़ता है बच्चों।
तो इस तरह से हमने देखा इनके भौतिक गुण, जिसमें हमने पहला देखा अवस्था और गंध, जिसमें हमने ये देखा कि इनकी जो अवस्था होती है उसमें मधुर गंध वाला ये द्रव होता है, और दूसरा गुण हमने देखा विलेयता। तो हमने विलेयता में देखा कि इनको पानी में घोलते हैं तो ये कम विलेय होते हैं या अल्प विलेय होते हैं, किंतु कार्बनिक विलायकों में ये पूर्णतः घुल जाते हैं। इसी तरह से हमने क्वथनांक देखा, क्वथनांक में हमने देखा कि जो नाइट्रो एथेन है और एथिल नाइट्राइड, दोनों के क्वथनांक में हमने काफ़ी अंतर देखा, और अंतर का कारण भी मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। क्या कारण मैंने बताया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ना, दोनों के विद्युत ऋणात्मकता में काफ़ी अंतर पाया जाता है, जिसके कारण ये ध्रुवी हो जाते हैं, और ध्रुवी होने के कारण इनका जो डाइपोल मोमेंट है इसका मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, और डाइपोल मोमेंट का मान बहुत ज़्यादा होने के कारण इनके अणुओं में प्रबल द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, और इस बल के कारण हम देखते हैं कि इनके क्वथनांक में काफ़ी अंतर पाया जाता है। इसके पश्चात हम रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। बच्चों देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, जिसे आप केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, रासायनिक गुण में सबसे पहले देखते हैं अपचयन, जिसे आप रिडक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं बच्चों कि वास्तव में ये अपचयन क्या है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन है, और हम ये देखते हैं कि विभिन्न माध्यमों में जो विभिन्न प्रकार के अपचायक हैं उनकी उपस्थिति में अलग अलग उत्पाद बनते हैं। देखते हैं अपचयन की क्रिया विभिन्न अपचायकों की उपस्थिति में विभिन्न उत्पाद बनते हैं। तो अपचयन में विभिन्न प्रकार के मैं बता रही थी बच्चों आपको कि जो अपचयन की प्रक्रिया होती है, अपचयन अर्थात हाइड्रोजन का जुड़ना, जिसमें विभिन्न अपचायकों की उपस्थिति में विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि जो अपचायक हैं अलग अलग माध्यम में हम कौन कौन से अपचायक का उपयोग करते हैं। एक चार्ट के माध्यम से देखिएगा अपचायक, अम्ली माध्यम में हम जिन अपचायकों का उपयोग करते हैं वो है टीन HCl की उपस्थिति में, या फिर आयरन उपयोग में लाते हैं HCl की उपस्थिति में, या फिर हम जिंक लेते हैं बच्चों HCl की उपस्थिति में। तो ये अम्ली माध्यम में अपचायक हुए। इसी तरह से हाइड्रोजन को भी हम अपचायक के रूप में उपयोग करते हैं। तब हम हाइड्रोजन के साथ निकिल लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में। इसी तरह से उदासीन माध्यम में हम लेते हैं जिंक डस्ट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हम देखते हैं तीन प्रकार के
अमोनियम क्लोराइड लेते हैं बच्चों, सॉरी अमोनियम क्लोराइड, ये तीन प्रकार के उत्पाद हम अपचायक के रूप में लेते हैं और इनसे विभिन्न विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो किस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उसे देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्लीय माध्यम में, हम ऑप्शन देख रहे हैं बच्चों, तो जो अम्लीय माध्यम में अपचयन की क्रिया होगी उसमें हम सबसे पहले देखते हैं ये हमने लिया नाइट्रो एथेन, और इस नाइट्रो एथेन का अपचयन होगा बच्चों, और अपचयन की क्रिया में हम अभी देखेंगे कि इसमें छह अणु हाइड्रोजन लेंगे और जिंक और HCl की उपस्थिति में यह अपचयन की क्रिया होगी। तो यहाँ पर देखिए छह अणु हाइड्रोजन का है, इसमें से दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा बच्चों, दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। अब देखिए C2H5 NH2 और ये पानी बना लेंगे, दो अणु पानी के, देखिए H2O और H2O दो अणु पानी के बन जाएंगे और ये बना प्राथमिक एमीन, एथिल एमीन बना है यहाँ पर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अम्लीय माध्यम में जब अपचयन की अभिक्रिया होती है तो हम लेते हैं जिंक HCl की उपस्थिति में अपचायक के रूप में, और ये छह अणु हाइड्रोजन के हैं जिसमें से दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेंगे और एथिलेमिन बनाएंगे, दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे और दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे और दो अणु पानी के बनाएंगे। तो इस तरह से ये अम्लीय माध्यम में अपचयन हुआ। अब हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन देखते हैं। हाइड्रोजन द्वारा अपचयन, तो इसमें देखिएगा हाइड्रोजन द्वारा जब अपचयन की क्रिया होती है बच्चों, तो यहां पर भी हम यदि नाइट्रो एथेन लेते हैं, ये देखिए हमने नाइट्रो एथेन लिया, और इस नाइट्रोएथेन को हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित करते हैं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहां पर भी हम देखते हैं बच्चों, सॉरी यहां ना N आएगा, यहां पर भी दो हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, दो हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। इसमें भी सेम प्रक्रिया होगी, C2H5NH2 अर्थात प्राथमिक एमीन बन रहा है बच्चों, एथिल एमीन, साथ ही देखिए पानी के दो अणु बन रहे हैं, एक ये पानी का अणु हुआ और दूसरा ये पानी का अणु, तो पानी के दो अणु यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह से आप देखते हैं हाइड्रोजन द्वारा अपचयन की क्रिया हो रही है, तो नाइट्रो एथेन
जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो दो अणु पानी के बाहर निकल जाते हैं और आपको प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। अब तीसरी प्रक्रिया देखते हैं उदासीन माध्यम में। उदासीन माध्यम में देखिए बच्चों, उदासीन माध्यम में C2H5 NO2 ये अभिक्रिया करता है चार अणु हाइड्रोजन की उपस्थिति में, और इसमें अपचायक के रूप में हम लेते हैं जिंक डस्ट, साथ ही अमोनियम क्लोराइड। ये हमने अपचायक के रूप में लिया है। यहां पर भी देखिएगा, यहां पर भी आप देखेंगे, यहां हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा इस तरह से प्राप्त होगा, दो हाइड्रोजन यहां जाएंगे और C2H5NHOH, दो हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएंगे और एक दो हाइड्रोजन जो है पानी बनाएंगे। थोड़ा सा ध्यान चाहूंगी बच्चों, यहाँ पे चार हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे। ये देखिए C2H5NHOH, इसका नाम हो जाएगा N एथिल हाइड्रोक्साइड एमीन। इस तरह से हम देखते हैं कि जब उदासीन माध्यम में नाइट्रो एथेन, उदासीन माध्यम में नाइट्रो एथेन अभिक्रिया करता है जिंक डस्ट और अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होता है एन एथिल हाइड्रोक्सिल एमीन और साथ ही एक अणु पानी का प्राप्त होता है। इसके पश्चात बच्चों हम देखेंगे जल अपघटन। तो जो जल अपघटन की क्रिया होती है, इसमें HCl की उपस्थिति में जल अपघटन की क्रिया होती है, या फिर 80% H की उपस्थिति में जल अपघटन की क्रिया होती है। ये जो जल अपघटन की क्रिया होगी, ये भी तीन कंडीशन में होगी। सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक नाइट्रो एल्केन के साथ, प्राथमिक नाइट्रो प्राथमिक नाइट्रो एल्केन के साथ जब जल अपघटन की क्रिया होगी बच्चों, तो एक उदाहरण लेते हैं नाइट्रो एल्केन का। यह है नाइट्रो एथेन, इसका हम जल अपघटन करवाएंगे किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में हम जल अपघटन की क्रिया करवा रहे हैं बच्चों इसमें। तो मैं ध्यान चाहूंगी, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं ये जो अभिक्रिया है, इसको मैं यदि इस तरह से लिखूं, तो इसमें एसिटिक अम्ल बनता है, और
NH2OH बनता है। कैसे बनता है वो देखिएगा, ये जो NH2, ये जो NH2 है बच्चों, इस OH से क्रिया करेगा। तो ये देखिए CH3COOH और H, CH3COOH, ये क्या बना, एसिटिक अम्ल बना। और साथ ही ये देखिए NH2 और ये OH है ना, ये हाइड्रोक्सिलेमीन देखते हैं कि जब प्राथमिक नाइट्रो एल्केन के साथ जल अपघटन की क्रिया होती है HCl की उपस्थिति में, तो क्या बनता है इसमें, इसमें बनता है एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्सिलेमीन बनता है। कैसे बनता है, मैंने बताया आपको कि ये जो CH3C और ये डबल ओ और ये हाइड्रोजन, ये मिलके बनाएंगे एसिटिक एसिड, और ये जो NH2 है इस OH से क्रिया करके हाइड्रोक्सिलेमीन बनाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं द्वितीयक नाइट्रो एल्केन के साथ जल अपघटन। द्वितीयक नाइट्रो एल्केन के साथ जब जल अपघटन की क्रिया होती है बच्चों, तो कीटोन बनता है। क्या बनता है, कीटोन बनता है। कैसे बनता है देखिएगा, अभिक्रिया के माध्यम से देखते हैं, R2CH ये है द्वितीयक नाइट्रो एल्केन, और ये अभिक्रिया करेगा पानी के साथ किसकी उपस्थिति में, यह अभिक्रिया करेगा HCl की उपस्थिति में। तो इसके दो अणु लेते हैं बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए इसे दो बार लिख रही हूँ, इसे मैं मिटा रही हूँ, ये सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन है, इसको दो अणु है इसलिए मैं दो बार लिख रही हूँ, है ना। तो देखिए R2CHNO2, इसे भी इस तरह से लिख रही हूँ ये। अब इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि R2CO बनेगा, ये देखिए R2C को अलग करते हैं, इसका एक ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो इसको दो बार लिख देती हूँ मैं, R2CO, ये देखिए दो बार कार्बन है ना, दो बार R2 है, और यहाँ से एक ऑक्सीजन लिया, एक ऑक्सीजन यहाँ से लिया, ये कीटोन बन रहा है। अब इसके पश्चात हमारे पास जो प्रोडक्ट बचे हुए हैं, ये बचे हुए प्रोडक्ट में से ये देखिए दो नाइट्रोजन है यहाँ पे, ये देखिए दो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, N2O बना, और साथ ही हमारे पास दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये पानी बना। इस तरह से हम देखते हैं द्वितीयक नाइट्रो एल्केन के साथ जब जल अपघटन की क्रिया होती है, अर्थात HCl के साथ जब इसे उबाला जाता है, तो कीटोन बनता है बच्चों, साथ ही N2O बनता है और पानी बनता है। इसके पश्चात हम देखते हैं तृतीयक नाइट्रो एल्केन के साथ जल अपघटन। तो जो टर्सरी या तृतीयक नाइट्रो एल्केन है, इसको जब HCl के साथ उबाला जाता है बच्चों, तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। कोई अभिक्रिया नहीं होती। इस तरह से बच्चों हमने देखा रासायनिक गुण किसके, नाइट्रो एल्केन के,
नाइट्रोएल्केन के रासायनिक गुणों में सबसे पहले, इसके पहले हमने देखा अपचयन की अभिक्रिया, उसके पश्चात हम देखें जल अपघटन, जल अपघटन की अभिक्रिया भी प्राथमिक नाइट्रोएल्केन, द्वितीयक नाइट्रोएल्केन और तृतीयक नाइट्रोएल्केन तीनों के साथ देखा। पहले वाले में हमने देखा कार्बोक्जिलिक अम्ल बनता है, साथ ही एमीन बनता है, और द्वितीयक नाइट्रोएल्केन के साथ जब जल अपघटन की क्रिया होती तो कीटोन बनता है, और तृतीयक नाइट्रोएल्केन के साथ जब जल अपघटन की क्रिया करवाई जाती है अर्थात HCl के साथ जब इसको उबाला जाता है बच्चों तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। इस तरह से हमने ये कुछ रासायनिक गुण देखे और शेष रासायनिक गुणों का अध्ययन हम अगले पीरियड में करेंगे। बच्चों आप ये रासायनिक गुण समझ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।